लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद पीएसी जवान कन्हैया की हत्या का हुआ खुलासा, एक को किया गया गिरफ्तार। थाना फरिया क्षेत्र नवलपुर की घटना में सही विवेचना के कारण बच सके तीन निर्दोष। एसएसपी अजय कुमार ने पुलिस लाइन में वार्ता कर किया खुलासा। साथ ही बताया कि प्रेमिका से नजदीकी देख आया था अभियुक्त को गुस्सा, फिर दिया था इस घटना को अंजाम। बता दें पूरा मामला एसएसपी अजय कुमार के निर्देशन में थाना फरिया पुलिस टीम द्वारा पीएसी जवान कन्हैया की हत्या का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में पुलिस लाइन सभागार में हुई प्रेस वार्ता के दौरान एसएसपी अजय कुमार ने बताया ये आप लोगों को ज्ञात होगा कि विगत माह में 4 फरवरी की देर रात्रि सूचना मिली थी कि एक कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति हैं ग्राम नवलपुर के, जो कि 38वीं बटालियन पीएसी अलीगढ़ में तैनात थे, छुट्टी पर आए हुए थे और एक अन्य व्यक्ति के घर में सो रहे थे। उसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में वो जल गए थे और करीब 90% से ज़्यादा जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बारे में उनके परिजनों ने मर्डर का मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें से एक पिता और 2 पुत्रों यानी कि 3 लोगों को नामजद कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने हर एंगल पर जांच करना शुरू किया था। सबसे पहले जो नामजद अभियुक्त थे उन पे गहन रूप से पूछताछ की गई, उनके बारे में जानकारियां जुटाई गई, बहुत प्रयास किया गया लेकिन उनकी नामजदगी गलत पाई गई, उनकी संलिप्तता कहीं से भी नहीं पाई गई। उसके बाद पुलिस को लगा कि अब इसमें कहां से तथ्य आएंगे। उसी सिलसिले में चूँकि पहले ही दिन एक नाम ऐसा आया था पुलिस के संज्ञान में कि एक अरविंद नाम का युवक उसी गांव का, जो उस दौरान भागता हुआ दिखाई दिया था, उस व्यक्ति का बयान जिसने ये बताया था कि अरविंद भागता हुआ दिखाई दिया है, उस व्यक्ति के बयान ने सबसे ज़्यादा इसमें टर्निंग पॉइंट किया। अरविंद से गहनता से पूछताछ की, कई राउंड पूछताछ हुई हमारे CO, हमारे SPRA, हमारे द्वारा स्वयं कई राउंड पूछताछ हुई, तब जा कर के वो व्यक्ति टूटा और टूटने के बाद उसने पूरा मामले का सनसनीखेज खुलासा किया। बकौल अरविंद कुमार, उसका एक गांव की ही एक महिला से मधुर संबंध थे 2-3 साल से। इत्तेफाक से उसी महिला से ये जो मृतक पीएसी के जवान कन्हैया लाल थे उनके भी मधुर संबंध थे। कन्हैया लाल छुट्टी पर आए थे, कन्हैया लाल और उस महिला के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें फ़ोन के द्वारा होती थी, ये CDR के द्वारा प्रमाणित है। इसी प्रकार से ये जो पकड़ा गया है अरविंद कुमार, उसके भी उस महिला से बहुत ज़्यादा बातें होती थी, वो भी CDR से प्रमाणित। तो ये एक लव ट्रायंगल फार्म हुआ, प्रेम त्रिकोण, जिसमें इस घटना को अंजाम दिया गया। उस दिन चूँकि वो मृतक कन्हैया लाल उसी महिला के घर में सो रहे थे, जब इसने देखा तो इसको जलन हुई और बेहद गुस्से में इसने अपना आपा खो दिया। इसने माचिस की जलती हुई तीली उनके ऊपर फेंकी, साथ ही साथ उस महिला की साड़ी को भी जो अत्यंत ज्वलनशील थी उसके ऊपर फेंक दिया, जिसके कारण से बहुत तेज़ी से आग फैल गई पूरे शरीर में और कन्हैया लाल को बचने का कोई भी मौका नहीं मिला। यद्यपि दरवाज़ा खुला था लेकिन वो जब तक वो भागते तब तक वो काफ़ी हद तक जल चुके थे और उसके बाद अस्पताल में ले जाया गया, जहां पे 90% से ज़्यादा जलने के कारण उनकी मौत हो गई।